देखिए, भाजपा अपना 3 बचा ले वही बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है इस बार 3 भी नहीं बचेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता और पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से घटनाक्रम देश में हुआ है, जनता काफ़ी नाराज़ है भाजपा से। देखिए, दिल्ली में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास कोई, और भाजपा वैसे भी मुद्दा विहीन पार्टी है। भाजपा एक जात, एक धर्म, एक भाषा, एक रंग की बात करने वाली पार्टी है। हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चिल्लाते हैं कि 70 साल 70 साल 70 साल। आप मुझे बताइए कि 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ देश में कि एक DSP अपनी गाड़ी में 20 लाख रुपए के इनामी आतंकी नाविद को लेकर के चल रहा है। ये भी तो देश में 70 साल में पहली बार हुआ है कि ये तो एक मोहरा है। पीछे बैठे लोग बड़े हैं, क्या है कि हमारा मीडिया पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बिजी है ना, मतलब वो पाकिस्तान का सपोर्टर है, वो बिना पाकिस्तान के उसको चैन नहीं आता है। मुझे डर है इस नपुंसक सरकार से, जिस सरकार के नाक के तले एक DSP इस तरह के आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जा रहा था, जिस तरीके से लोगों ने पुलवामा के ऊपर सवाल खड़ा किया, उस सीमा से घुसा जहाँ से शायद कबूतर भी पाकिस्तान के हमारे हिंदुस्तान में आ सकते, इतनी हमारी चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था है वहाँ पे हमारी, तो क्या देवेंदर या उसके जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व थे? कहता हूँ कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी, हम उन आरोपियों को, उन अपराधियों को ढूंढ कर निकालेंगे, चाहे वो जमीन में छुपे हों चाहे आसमान में, जिन्होंने हमारे 44 जवानों की शहादत ली है। बदला तो लिया जाएगा भैया। दिल्ली में इलेक्शन की गहमा गहमी है, सभी पार्टियां अपने अपनी जीत का दावा ठोक रही हैं। हमारे साथ कांग्रेस के एक युवा नेता मौजूद हैं, अखिलेश यादव, हम इनसे बात करेंगे। बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है दिल्ली में, क्या लग रहा है आपको, कौन सी मारने जा रही है बाजी? देखिए, दिल्ली के इस बार के जो चुनाव हैं वो मुद्दों पर चुनाव हैं, और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली का जो समुचित विकास किया था वो शीला दीक्षित जी ने किया था, 15 सालों के उनके राज में हुआ था, और उसकी तारीफ UN तक ने की थी, जिस तरीके से 80 लाख पेड़ लगाए गए थे। तो इस बार का जो चुनाव है दिल्ली का, उसमें कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। भाजपा अलग दावा ठोक रही है, इस बार उनके पास क्या मुद्दा है? देखिए, भाजपा अपना 3 बचा ले वही बहुत बड़ी बात है। मुझे लग रहा है इस बार 3 भी नहीं बचेगा, क्योंकि दिल्ली की जनता और पिछले कुछ महीनों में जिस तरीके से घटनाक्रम देश में हुआ है, जनता काफ़ी नाराज़ है भाजपा से, और ख़ासकर जो एरोगेंट एटीट्यूड है हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी का, उससे नाराज है। आपको पता होगा कि शाहीन बाग में आज 40वां दिन होने आया है, लोग बैठे हैं, तो वो दिल्ली के ही लोग हैं। उनके पास जब कोई मुद्दा नहीं होता है तो अलग अलग मुद्दों पे वो क्या बोलते हैं, आर्मी के मुद्दों पे चुनाव लड़ते हैं, कभी पुलवामा के मुद्दे पे चुनाव लड़ते हैं, इस बार तो, और NRC पे वो पहले ही हार चुके हैं झारखंड, तो दिल्ली में मुद्दा क्या है? देखिए, दिल्ली में उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भाजपा के पास कोई, और भाजपा वैसे भी मुद्दा विहीन पार्टी है। भाजपा एक जात, एक धर्म, एक भाषा, एक रंग की बात करने वाली पार्टी है, और देश, आइडिया ऑफ इंडिया और भारत देश ने उसे इग्नोर कर दिया, उसे नकार दिया है। किसी रिपोर्ट ने पढ़ा कि 5,000 रैलियां करेंगे, दिल्ली में 13,000 बूथ है, वो 5,000 रैली करेंगे कहाँ? मतलब एक लॉजिकल बात भी होनी चाहिए, आप 500 रैली कर रहे हैं समझ में आ रहा है, 200 रैली कर रहे हैं समझ में, 5,000 रैली करेंगे कहाँ? तो भाजपा एक प्रोपेगेंडा वाली पार्टी है, उसने प्रोपेगेंडा बनाया हुआ है, बाकी और कुछ दिल्ली में है नहीं उनके पास, न दिखाने के लिए न बताने के लिए। देवेंदर पकड़े गए, क्या भूमिका आपको लगती है? देखिए, मैं बहुत शॉक्ड हूँ, हमारे प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमेशा चिल्लाते हैं कि 70 साल 70 साल 70 साल। आप मुझे बताइए कि 70 साल में ऐसा पहली बार हुआ देश में कि एक DSP अपनी गाड़ी में 20 लाख रुपये के इनामी आतंकी नाविद को लेकर के चल रहा है। ये भी तो देश में 70 साल में पहली बार हुआ है। इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब साउथ ब्लॉक और नॉर्थ ब्लॉक में बैठे हुए लोग देंगे या नहीं देंगे कि ये कैसे हो गया मेरे देश में, जहाँ पर एक देवेंदर जो DSP है वो व्यक्ति आतंकवादी को लेकर के अपनी गाड़ी में जा रहा है। मतलब देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। मतलब कुछ जानकारों से बातचीत में पता चला कि ये तो एक मोहरा है, पीछे बैठे लोग बड़े हैं। ऐसा मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे वो सारे लोग, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चुनाव जीतने का एक और तरीका था, जिस तरह से हमने देखा पास्ट में पुलवामा के टाइम पे भी यही आरोप लगा था, क्योंकि 5 साल में सरकार ने कोई काम नहीं किया था, तो आरोप यही लगा था कि पुलवामा भी शायद कहीं ना कहीं उनकी, और देवेंदर भी उस वक्त पुलवामा में मौजूद थे, ऐसा भी कहा जा रहा रिपोर्ट में। देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, और पुलवामा में जो मेरे देश के वीर जवान शहीद हुए 44, मैं उनको नमन करता हूँ।
अगर ऐसा कुछ भी ज़रा सा भी है इकबाल भाई, तो ये बहुत ही शर्मनाक होगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ होगा तो शायद देश की आत्मा के साथ इससे बड़ा खिलवाड़ आज तक किसी ने नहीं किया है जो इस बार हुआ है। जैसा आप बता रहे हैं कि वो दिल्ली की तरफ आ रहे थे, कई रिपोर्ट्स में मैंने पढ़ा चंडीगढ़ भी जा रहे थे, शायद सिखों को लेकर के कुछ टेंशन क्रिएट करना था या दिल्ली में आना था, जैसा कि दिल्ली में चुनाव है। देखिए, ये जनता बहुत समझदार है। किसी ने कहा है कि आंदोलन लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं, और यकीन मानिए पिछले एक महीने में इस देश का लोकतंत्र बहुत मजबूत हुआ है। भाजपा को जो करना है कर ले, दिल्ली तो क्या, वो कुछ नहीं जीतने वाले हैं अब। क्योंकि जितना इस देश का लोकतंत्र मजबूत होगा उतनी हमारी इस देश के लोकतंत्र में आस्था बढ़ेगी, तो भाजपा के छक्के पंजे छूटने वाले हैं दिल्ली के चुनाव में। दविंदर का नाम पहले भी, जैसे पुलवामा के साथ भी जुड़ा है, आपको अफजल गुरु के टाइम में भी जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसी इतना कुछ जुड़ने के बाद भी वो आदमी बचा रहा, और इस बार भी सरकार कुछ बोल नहीं रही है उसके ऊपर। मीडिया में तो मैंने, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नाम मात्र के लिए खबर चलाई गई है, भारत की सुरक्षा से जुड़ी हुई खबर थी और उसको बहुत कम तवज्जो मिली। क्या है कि हमारा मीडिया पाकिस्तान के लिए ज़्यादा बिजी है ना, मतलब वो पाकिस्तान का सपोर्टर है, वो बिना पाकिस्तान के उसको चैन नहीं आता है। तो देवेंद्र को इसलिए शायद इन लोगों ने इग्नोर किया, या इसके पीछे लॉबी होगी। मैं कह रहा हूँ ना ये कहानी का पूरा हिस्सा नहीं है, ये हमको ट्रेलर दिखाया गया है। जो देश के दुश्मन है वो कहानी छुपा कर बैठे हैं। मुझे डर है इस नपुंसक सरकार से, जिस सरकार के नाक के तले एक DSP इस तरह के आतंकवादियों को अपनी गाड़ी में बिठा कर लेके जा रहा था। तो आप समझ जाइए कि कितना खतरनाक होगा इस देश। हमारी एजेंसियाँ क्या कर रही थी, सो रही थी या मिली हुई थी? क्योंकि देवेंद्र को कोई ना कोई तो मदद कर रहा था अंदर से, बिना मदद के इतने साल तक तो कोई बच नहीं सकता ना, तो उसको मदद दी गई है। आपको लगता है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कोई तैयारी हो रही हो देवेंद्र की तरफ से, जिसमें वो मिशन में वो फेल हुए हैं? देखिए क्या है इकबाल भाई, कि ये आप अनुमान लगा सकते हैं, कुछ कह तो नहीं सकते हैं कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी भी रही हो सकती है कि ऐसा किया जा सकता है, करने की तैयारी भी रही हो सकता है ऐसा नहीं भी हो, चीज़ें जुड़ रही हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जिस तरीके से लोगों ने पुलवामा के ऊपर सवाल खड़ा किया, बालाकोट पे सवाल नहीं खड़ा किया, बालाकोट नहीं, आप लाहौर तक घुस के मारो, हम आपके साथ हैं, और लाहौर नहीं इस्लामाबाद पे कब्जा करो ना, हम तो साथ हैं आपके। तो आपका दुश्मन देश जो आपको परेशानी दे रहा है, आप उसके ऊपर हमला करिए, हम आपके साथ हैं। लेकिन पुलवामा में जो मेरे 44 भाई शहीद हुए ना, जो 300 किलो RDX एक गाड़ी में लेकर के उस सीमा से घुसा जहाँ से शायद कबूतर भी पाकिस्तान के हमारे हिंदुस्तान में आ सकते, इतनी हमारी चुस्त-दुरुस्त व्यवस्था है वहाँ पे हमारी, तो क्या देवेंद्र या उसके जैसे लोग इसमें इन्वॉल्व थे? उनकी वजह से वो RDX आया देश के अंदर और मेरे 44 वीर जवानों को शहादत देनी पड़ी, इसका जिम्मेदार कौन है? आज भी देश उस सवाल का जवाब मांग रहा है, काहे नहीं बोलते ये लोग दोनों? ये गृहमंत्री प्रधानमंत्री के मुंह में क्या लग जाता, फेविस्टिक लगा लेते हैं। हाँ, हमको वो जवाब चाहिए। और मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि जिस दिन कांग्रेस की सरकार बनी, हम उन आरोपियों को, उन अपराधियों को ढूंढ कर निकालेंगे, चाहे वो जमीन में छुपे हो चाहे आसमान में, जिन्होंने हमारे 44 जवानों की शहादत ली है। बदला तो लिया जाएगा भैया, ये बदला पूरा नहीं हुआ है। आपकी आवाज